ओम श्री परमात्मने नमः। आप समस्त दर्शकों का इस स्तोत्र तीर्थ चैनल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज एक श्लोकी रामायण का श्रवण करते हैं। संपूर्ण रामायण को एक श्लोक में पिरोया गया है। आदिकाल से ही यह प्रचलित श्लोक है, प्रसिद्ध है। ओम भगवते श्री रामचंद्राय अथ एक श्लोकी रामायणम्। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुंभकर्णहननं एतद्धि रामायणम्। एतद्धि रामायणम्। आदिकाल में भगवान श्री राम को वनवास हो गया था। पिता के आदेश से उन्होंने वनवास स्वीकार किया। वहां भगवान श्री रामभद्र ने जगत जननी सीता के लिए स्वर्ण मृग का वध किया। स्वर्ण मृग वध काल में ही भगवती वैदेही का राक्षस राज रावण ने हरण किया। भगवती की रक्षा करते हुए भगवान रामभद्र के पिता राजा दशरथ के मित्र पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर भगवान श्री राम की मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने बड़े भ्राता बाली से पीड़ित थे। भगवान सुग्रीव का सहयोग करते हुए बाली का वध किया। हनुमान इत्यादि बलशाली भक्तों के सहयोग से भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु बांधकर पुल बना करके समुद्र पार किया, लंका गए। उसके पश्चात दुष्ट रावण सभाइयों के सहित, कुंभकर्ण इत्यादियों के सहित भगवान श्री रामभद्र ने उन सब का वध करके संसार को निर्भय किया। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान।